नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत यूनिट संख्या प्रथम में भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का चैप्टर अध्ययन करेंगे। यूनिट संख्या प्रथम में भारतीय रिजर्व बैंक चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इसका अधिकतर पूछते हैं, जिसमें मुख्यतया चार प्रश्न इंक्लूड हैं। प्रथम प्रश्न कई बार पूछते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना के क्या उद्देश्य एवं क्या कारण रहे और इसके प्रबंध एवं संगठन को समझाइए। दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं अधिकतर, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक के कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तीसरा प्रश्न ये आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शाख का नियमन नियंत्रण किस प्रकार से करता है, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI किस प्रकार से शाख का नियमन नियंत्रण करते हैं, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। लास्ट प्रश्न ये पूछते हैं कि रिजर्व बैंक की सफलता के कौन कौन से कारण रहे और रिजर्व बैंक असफल क्यों रहा। ये आपके चार प्रश्न हैं। इसमें से भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रिजर्व बैंक के कार्य अधिकतर पूछते हैं और भी ये चार तीन प्रश्न भी उपयोगी हैं। आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन करने से पहले सर्वप्रथम इसकी हम भूमिका की चर्चा करें, रोल ऑफ रिजर्व बैंक। इसके हम इतिहास की चर्चा करें कि रिजर्व बैंक की स्थापना क्यों पड़ी, रिजर्व बैंक की स्थापना किस प्रकार से हुई। तो सर्वप्रथम बात करें 1773 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने का विचार किया, जो कि वॉरेन हेस्टिंग ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार की स्थापना की। बाद में 1913 में चैम्बरलेन आयोग ने रिजर्व बैंक की स्थापना पर जोर किया, जो कि चैम्बरलेन आयोग के जो सदस्य थे लॉर्ड किन्स ने RBI की स्थापना पर जोर दिया। उसके बाद में हम बात करें, चैम्बरलेन आयोग ने, लॉर्ड किन्स ने तीन बैंकों को मिलाकर के, तीन बैंक कौन से थे, तीन प्रेसिडेंसी बैंक, को मिलाकर के इंपीरियल बैंक की स्थापना की, जिसमें पहला है इंपीरियल बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंबई। इन तीनों बैंकों के मिलाकर के इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई, इंपीरियल बैंक बना 1921 में। तो कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि तीन प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, इन तीनों बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक की स्थापना
हुई। बाद में 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने आरबीआई की स्थापना पर जोर दिया। उसके बाद में 1933 के अंदर गोलमेज सम्मेलन बना। गोलमेज सम्मेलन बनने के बाद में आरबीआई पे मुख्य रूप से जोर दिया गया कि आरबीआई की स्थापना करनी है। तो 8 सितंबर 1933 ने वायस राय ने आरबीआई की स्थापना करने के लिए हस्ताक्षर किए और उसके बाद में आरबीआई एक्ट 1934 में बना। यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की स्थापना कब हुई। भारतीय रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में आरबीआई एक्ट बना। इसके बाद में 1 अप्रैल, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई। तो ये इसका एक भूमिका, स्ट्रक्चर, इसका एक इतिहास है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये कई चीज़ें पूछ लेते हैं। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें कि आरबीआई की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहा, आरबीआई की स्थापना क्यों हुई, आरबीआई की स्थापना से कॉमर्शियल बैंकों को क्या क्या बेनिफिट हुए, इसकी प्रबंध व संगठन संरचना क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों पर नियमन नियंत्रण करता है, शाख नियंत्रण की व्यवस्था करता है और उस पर किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है उसके रूल्स रेगुलेशन के तहत कॉमर्शियल बैंक कार्य करते हैं। अब हम बात करें कि रिजर्व बैंक की स्थापना के क्या उद्देश्य रहे और क्या कारण रहे। जैसा कि कोई भी संगठन या कोई भी निकाय जब हम स्थापना करते हैं, उसकी स्टैब्लिश करते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य व कारण जरूर होते हैं। तो रिजर्व बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुद्रा व शाख पे एक तो नियमन और नियंत्रण करना, दूसरा मुद्रा व शाख पे समुचित शाख की व्यवस्था करना, किस प्रकार से देश के अंतर्गत क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। दूसरी हम बात करें रुपये के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों में स्थिरता लाना, कि रुपयों की आंतरिक बाह्य मूल्यों में किस प्रकार से स्थिरता लाई जाए। तीसरे पॉइंट की हम बात करें कि देश में सुव्यवस्थित संतुलित रूप से बैंकिंग का विकास करना, ये भी इसका एक उद्देश्य और कारण है। चौथे की बात करें देश में सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास करना, कि किस प्रकार से देश में सुसंगठित मुद्रा बाजार का विकास होगा। आगे कृषि शाख की समुचित व्यवस्था करना, एग्रीकल्चर से संबंधित किस प्रकार से क्रेडिट या किस प्रकार से शाख उपलब्ध करवाना है, ये भी एक इसका कारण है। एक सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना, गवर्नमेंट सार्वजनिक ऋणों में मुख्यतया सरकारी कार्यों में होने वाले या सार्वजनिक ऋणों की भी ये महत्वपूर्ण व्यवस्था करता है। एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग भी स्थापित करना, ये भी किसका कारण है। और अगला है व्यापारिक बैंकों के नकद कोषों का किस प्रकार से केंद्रीयकरण करना है। तो ये तो इसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उद्देश्य एवं कारण हुए। अब हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की पूंजी, आरबीआई की कैपिटल। पूंजी की हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब पूंजी की हम बात करें तो
लगभग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अधिकृत हुई 5 करोड़ पूंजी है, जो कि 100 रुपये के 5 लाख अंशों में क्या है, विभाजित है। ये हम रिजर्व बैंक की पूंजी की बात करेंगे, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पे नियमन नियंत्रण, ये इसकी कैपिटल है 5 करोड़, इसकी अधिकृत कैपिटल या उसकी है। आगे हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कोई भी बैंक है उसका नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब यहाँ पर मुख्यतया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये भी कई बार कंपटीशन पूछ लेते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक कब हुआ या राष्ट्रीयकरण रिजर्व बैंक का कब हुआ। राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949। ये भी कई बार आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में पूछते हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना के उद्देश्य के कारण, ये हमने पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन एवं प्रबंध। भारतीय रिजर्व बैंक का संगठन एवं प्रबंध। भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन प्रबंध की हम बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक के संगठन प्रबंध को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। प्रथम है केंद्रीय संचालक मंडल, सेंट्रल मैनेजमेंट कमिटी, जो भी सेंट्रल केंद्रीय संचालक मंडल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्शन भी इसे अपन कह सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्शन। दूसरा है स्थानीय मंडल, लोकल बॉडी भी कह सकते हैं इसको, या फिर स्थानीय मंडल की हम बात करें तो मुख्यतया महत्वपूर्ण भूमिका का ये निर्वहन करते हैं लोकल बोर्ड्स। तीसरे प्रबंध व संगठन की बात करें तो यहाँ पर तीसरा है रिजर्व बैंक के कार्यालय। ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक। अब केंद्रीय संचालक मंडल की हम बात करें तो केंद्रीय संचालक मंडल में यहाँ पर एक तो गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनका कार्यकाल 5 साल का होता है, डिप्टी गवर्नर या गवर्नर का, और 15 संचालक होते हैं। तो केंद्रीय संचालन मंडल मुख्यतया 3 भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर और 15 संचालक होते हैं। तो ये आरबीआई के संगठन एवं प्रबंध के ढांचों की श्रेणी में ये आते हैं। आगे हम बात करें स्थानीय मंडल की। रिजर्व बैंक की स्थानीय मंडल मुख्यतया 4 भागों में है, जिसका कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली में ऑफिस है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली, ये इसके 4 स्थानीय मंडल हैं, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। प्रत्येक स्थानीय मंडल में 5 सदस्य होते हैं, जो कि इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए भी 5 वर्ष के लिए होता है। अब बात करें रिजर्व बैंक के कार्यालयों की। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय मुंबई में है, हेड ऑफिस मुंबई में है, और भी कई स्थानीय हैं, स्थानीय कार्यालय भी हैं। तो ये इस प्रकार से इसकी संगठन एवं प्रबंध व्यवस्था है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अगले वीडियो में हम
आपके लिए लेके आएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या कार्य हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शन हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कार्य करते हैं या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेन फंक्शन कौन कौन से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।